जिसका पत्नी का नाम लक्ष्मीकांत भविष्य थी। भगवान की दो पत्नी थी, एक लक्ष्मीप्रिया और एक विष्णुप्रिया, उनकी दो पत्नी थी हैं। इसमें जो लक्ष्मी प्रिया थी पहला स्त्री, दूसरा स्त्री विष्णुप्रिया है। जब श्रीमन महाप्रभु उन्होंने दर्शन करने के लिए पूर्व बंगाल में महाप्रभु गए थे, महाप्रभु का विरह नहीं कर श्री लक्ष्मी प्रिया ने महाप्रभु का विरह को सहन नहीं कर सकी और उनको विरह से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर से चैतन्य महाप्रभु ने फिर विष्णु प्रिया को उन्होंने दूसरा बार महाप्रभु विष्णु प्रिया को ग्रहण करते हैं। इसलिए इसलिए भगवान की भू शक्ति और लीला शक्ति है, कभी भू शक्ति और लीला शक्ति भगवान की दो शक्ति होते हैं। इसलिए कहते हैं उनकी पत्नी का नाम भी ले लिया लक्ष्मीकांत भविष्य थी, मेरे पत्नी का नाम होगी लक्ष्मी प्रिया, मेरे पत्नी का नाम होगी। इसलिए गौरव पुराण में भी इन्होंने बताया पल्लव प्रथम संध्याया बोले सन्यासी ग्रहण करेंगे चैतन्य महाप्रभु, कहते सन्यासी जो ग्रहण करेंगे क्या इसका भी नहीं प्रमाण है। यहाँ पर बता रहे हैं बोले दारु ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, कहते दारु ब्रह्म निकटस्थ, दारु ब्रह्म कौन है, कहते श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ जी भगवान की आठ तरह का भगवान की वस्तुओं में आठ वस्तुओं में ठाकुर का स्वरूप बनता है। कहते क्या क्या है, जैसे यहाँ पर राधा श्याम सुंदर है, कैसे उनको बनाया पत्थर से, ठाकुर जी पत्थर से बने हैं, कहीं कहीं देखोगे कहीं कहीं मिट्टी में भी ठाकुर जी बनते हैं, अब कहीं कहीं देखोगे ठाकुर जी अष्टधातु में भी ठाकुर बनते हैं, कभी कभी देखोगे आप लोग सोने में भी ठाकुर बनते हैं। और जो चित्रपट में जैसे देख रहे हैं चित्रपट, लिए चित्रपट में भी ठाकुर जी चित्रपट में भी बनते हैं। और ठाकुर जी मणिमयी 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 मतलब मणि को द्वारा भी ठाकुर बनते हैं। और कभी कभी अपना हृदय में भी हम लोग ठाकुर जी को स्मरण करते हैं हृदय में। और एक होता है और किस रूप में, कहते ठाकुर जी शब्द ब्रह्म रूप में। इसलिए भागवत को क्या बताया बोलते मूर्ति प्रत्यक्ष बरतते हैं, बोले भगवान स्वयं उधर कहते हैं उधर कोई चिंता मत करो, मेरे विरह में दुखी मत हो, कलयुग में भी मैं और एक अवतार ग्रहण करूंगा। बोले कि श्रीमद भागवत ग्रंथ, श्रीमद भागवत ग्रंथ में ही भगवान ने अपना तेज को उन्होंने भागवत ग्रंथ में उन्होंने प्रवेश करा दिया। इसलिए कलयुग में श्रीमद भागवत ही भगवत स्वरूप, भगवत स्वरूप श्री भागवत भी भगवत स्वरूप है। इसलिए उसी तरह अब श्री जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी बनते हैं वो दारू ब्रह्म है, दारू ब्रह्म होता है लकड़ी, वो लकड़ी से वो ठाकुर जी वो लकड़ी से बनते हैं, इसलिए उनको बोले दारू ब्रह्म। कहते उनको पास नहीं कि अपने सन्यासी ग्रहण करूंगा, बोले दारू ब्रह्म निकटस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, कहते दारू ब्रह्म को पास में मैं सन्यासी ग्रहण करते हुए उनको पास में रह करके वहीं पर मैं प्रचार और प्रसार करूंगा, जगन्नाथपुरी में रहेंगे। इसलिए एक स्थान का नाम है गंभीरा। जगन्नाथपुरी गए कि नहीं आप लोग, गए सबके सब गंभीरा गए कि नहीं, गंभीरा गंभीरा गए हो जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर रह करके भजन करते थे वो गंभीरा है। इसलिए महाप्रभु गंभीरा में रह करके भजन करेंगे, ये पहले से शास्त्र बता दिया। दारु ब्रह्म निकटस्थ सन्यासी गौरव विग्रह, अपने गौरव महाप्रभु में जगन्नाथ के पास रह करके वहीं से मैं अपना भजन करूँगा प्रचार प्रसार करूँगा। बोले ये भी एक श्लोक है, कहते श्री उपपुराण में वहां पर भी बहुत सारे प्रमाण है, कहते श्री ब्रह्म पुराण में बताए बोले कलौ प्रथम संध्याया गौरांग अहम मैत्रे भागीरथी भूमि भविष्य में सनातन। कहते ये ब्रह्म पुराण में बताया कि कलौ प्रथम संध्याया, कलयुग का प्रथम संध्या में कलौ प्रथम संध्याया कहते गौरांग अहम मैत्रे,
मिस्र गौरा का पुत्र इस जगत में आना, इसलिए महाप्रभु का एक नाम गौर हरि। गौर मतलब राधारानी गोरी है, हरि मतलब कृष्णा, ये दोनों मिलकर कलयुग में श्री गौर हरि बने। इसलिए मैं गौरा अहम हरि पहले कभी मैं जब जन्म ग्रहण करूंगा मेरा एक नाम गौरांग हो गया। हम कहते हैं गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, इसलिए उनका नाम गौरांग नाम की प्रॉब्लम गौर अंग गौरांग, जिनकी अंग गौर अंग है इसलिए इनका नाम गौरांग। क्योंकि कलयुग में राधा सिंह भाव और अंग कांति को लेकर के आए, इसलिए उनका एक नाम श्री गौरांग नाम पड़ गया। इसलिए गौरांग अहम, गौरांग अहम महितले, कहते गौरांग अहम महितले भागीरथी भूमि भविष्याम सनातन। कहते मैं जन्म ग्रहण कहाँ ग्रहण करूँगा, ब्रज में जन्म ग्रहण करूँगा भागीरथी। इसलिए गंगा को तीन गंगा है, कहते एक गंगा है स्वर्गलोक में, है स्वर्गलोक में एक गंगा जो स्वर्गलोक का गंगा कहते हैं, जिसका नाम कहते हैं मंदाकिनी। और इसी जगत में एक गंगा है जिसका नाम भागीरथी, क्यों भागीरथ ने गंगा को लाया है जिसका नाम भागीरथी। पाताल में एक गंगा है जिसका नाम भोगवती है, वो पाताल लोक कल्याण करते हैं। लेकिन इसी मध्य जगत में जो गंगा है उसका नाम भागीरथी। यहाँ पर कहते हैं मैं भी भागीरथी है, भागीरथी भूमि भविष्यामि सनातन। मैं ये भागीरथी महाप्रभु गंगा के पास नहीं, महाप्रभु जन्म हुए थे नव दिन गए थे तो गए पता होगा गंगा के पास नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया था। इसलिए यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पर प्रश्न करते हैं, बोले ठाकुर तो स्वयं गंगा के नाम जन्म पवित्र स्नान पर गंगा पवित्र है भगवान की चरणा में, लेकिन उन्होंने भक्तों को उन्होंने बड़े दूर दूर देश में उन्होंने भक्तों को जन्म दिया, बड़े दूर दूर देश में अपना अपना भक्तों को जन्म दिया। कहाँ उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहाँ जन्म हो गए, कहते साउथ में कहाँ जन्म हो गए, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कौल में जन्म हो गए हैं, कहते श्री स्वर्ग दामोदर राय रामानंद पता नहीं कहाँ जगन्नाथपुरी कहाँ कहाँ इन लोगों ने बहुत दूर दूर में गंगा से बहुत दूर में इन लोगों ने जन्म हो गया। क्यों स्वयं का जन्म हो गए गंगा के नाम में और इनको दूर दूर देश में क्यों जन्म दे दिया, बोले कारण है जब कोई एक शुद्ध वैष्णव जहाँ पर जन्म ग्रहण करता है कहते तहार प्रभाव कोटि योजन विस्तार है। एक शुद्ध भक्ति का इतने भक्तों का इतने प्रभाव है जहाँ पर जन्म ग्रहण करते उसको प्रभाव से बोले कर्जन तक भूमि पवित्र हो जाता है, कर्जन तक पवित्र हो जाता है इतने महिमा एक साधु जहाँ पर जन्म लेता है। जब वो हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग लोक में देवता का कल्याण होता है, इनकी प्रेममय दृष्टि इतने दूर तक चल जाती है, कहते किसी तरह का अमंगल नहीं रह सकता है। और उनका चरण स्पर्श जब पृथ्वी को उनका चरण स्पर्श करता है यदि पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है एक शुद्ध भक्त का चरण को स्पर्श करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताए इसलिए उन्होंने लचर जा जहाँ पर पांडव गर्जित हो, जहाँ पर पांडव लोग नहीं गए वो स्थान को अमंगल बन जाते हैं। जो पांडव लोगों का जो वनवास हो गया पांडवों ने सारा दुनिया को उन्होंने भूल लिया, पांडव कृष्ण का इतने भक्त है तो क्यों वनवास हो, भगवान ने इसलिए वनवास करवाया जहाँ जहाँ इनके चरण पर पड़ेगा वो स्थान पवित्र हो जाएगी, इसलिए महाप्रभु जान बुझ कर उनको वनवास करवाया और सर्वत्र उन्होंने घुमाया जहाँ जहाँ इनके कल्याण है। भगवान राम भगवान को वनवास हो सकता है, ठाकुर जी ठाकुर को वनवास हो सकता है, फिर ठाकुर को वनवास क्यों कहते कारण है ठाकुर जहाँ जहाँ जाएंगे जहाँ ठाकुर जी की चरण पड़ेगा वो स्थान भी मंगल में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भविष्यामि भविष्यामि सनातन, गौरव रति भूमि भविष्यामि सनातन, मैं स्वयं सनातन बनकर जन्म ग्रहण करूंगा। कहते ब्रह्म पुराण में
ये श्लोक बताए, बोले एक ग्रंथ था जिसका नाम बायु पुराण है। बोले ये बायु पुराण में क्या बताए, बोले शुद्ध गौर से सिद्धांत गंगा के समुद्र दयालो कीर्तन ग्राही भविष्यामि तनिष। तो फिर बायु पुराण में बताए, बोले मैं कैसे शुद्ध गौर लेकिन जो महापुरुष हो रहेंगे उनका जो हाथ है जानू तक उनकी लंबी। आप प्रभुपाद का फोटो देखना कितने बड़े हाथ है प्रभुपाद से, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उनके हाथ है ना पूरा अजान लंबी तक हो जाए, जानू तक उनके हाथ है। और आंखें कैसे होंगी, बोले कमल के पत्नियां जैसे उनकी आंख होगी। नाक कैसे होगी, बोले तीन फूल जैसे सूप के नाक जैसे बड़ी उनकी नाक होगी। और उनकी दांत देखने में कैसे होगी, बोले डालिम का जैसे बीज होता है ना ऐसे उनकी दांत होगी। गला के उंगल ही बड़ा बड़ा होगा उनकी हैं, इसलिए वहां पर अंगुली कैसे होगी, सब कुछ वहां पर वर्णना की गई। जो महापुरुष ने 24 लक्षण एक महापुरुष में 26 लक्षण होते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अगर देखो कि वहाँ पर सब कुछ चैतन्य भागवत में वर्णना किया है, समस्त जो 26 लक्षण गुण चुक श्री सच्चिदानंद गौर रहते। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। बोले कलयुग में गंगा तीरे समुद्र भव। बोले कहाँ पर मेरा जन्म होगा, बोले गंगा तीरे गंगा किनारे में जन्म ग्रहण करूंगा। जन्म ग्रहण में कर क्या करेंगे, बोले समुद्भव दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामि कलियुगे। मैं कलियुग में अवतीर्ण होकर के बड़े दयालु महाप्रभु, बड़े दयालु बड़े कृपालु माता ने सर पर दिया। बोले भैया कोई बात नहीं, मेरे श्री कल से काना ताई ने भी प्रेम करना, भले ही तुमने मेरे सर को फोन दिया कर दिया, इसलिए क्या था कि मैं प्रेम नहीं हूँ, एक बार कभी मेरे प्रभु का नाम ले श्री सच्चिदानंद गौर हरि, एक बार श्री सच्चिदानंद गौर हरि का नाम ले बस, इससे मैं उद्धार कर दूंगा। और एक बार बोल दो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। बस एक बार प्रभु का नाम ले, एक बार चैतन्य महाप्रभु अगर उसको देखते हैं आंख में ठाकुर का नाम लेकर अश्रु विसर्जन हो गया उसको प्रतिभा करते उसको बनने का ध्यान कर देते हैं। इसलिए बड़े दयालु बने, बड़े कृतन ग्राही वैश्यामी कलयुग। कलयुग में मैं क्या करूँगा, ये हरि कीर्तन करूँगा। जिस जगह से चैतन्य महाप्रभु वास में क्या करते थे, हरि के नाम हरि कीर्तन करते थे। सर्वत्र उन्होंने हर घर में जा जाकर महाप्रभु ने भिक्षा की ध्वनि प्रसार करके कितना ही दावा बोले एक बार हरि का नाम लो। महाप्रभु कभी नहीं बोले मेरे नाम लो, महाप्रभु कभी नहीं बोले। जब जगन्नाथपुरी में थे रोज रोज लोग क्या करते थे, रोज रोज लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। एक दिन श्री अद्वैत आचार्य के आने चलते थे, बोले देखो रोज रोज तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रोज रोज का हम हरि का नाम लेते। आज श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, आज हम सबके सबसे महाप्रभु का नाम लेते। वे सारे भक्त सच्चिदानंद गौर हरि जय जय कार करते थे, आज महाप्रभु देखते बड़े नारायण करते थे। आज क्या कर रहा है, रोज का हरे कृष्ण महामंत्र लेते, आज कौन सा नाम ले रहे। इतने में अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित बोले प्रभु अगर सूरज को अगर कोई सोचे हम हाथ हाथ करके सूरज
का रोशनी को बंद करके हो सकता है? आप सूरज को ऊपर जैसे हाथ रख करके सूर्य में तो किरणों को बंद कर सकते हो, प्रभु नहीं कर सकते हो। और इतना बोलते ही हजार हजार भक्त पता नहीं कहाँ से सचिनंदन गौर हरि की जय जयकार करते करते आए। इतने में अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित ने प्रभु को बंद कर, हम तो आपका नाम लिया था बंद कर ठीक है, इसलिए प्रभु सूरज में हाथ दे उनको छुपाया नहीं जा सकता है। धीरे सारा दुनिया को पता चलेगा कौन आप हो, आप स्वयं भगवान कृष्ण हैं। कलयुग में राधा जी भाव और अंगदान को लेकर जीव के कल्याण करने के लिए आप आए, इसलिए अपने आप को और छुपा नहीं सकते। इसलिए कहते हैं ये विभिन्न पुराण में कलयुग में से सचिदानंद गौर में आए हैं, विभिन्न पुराण में इसकी बहु प्रमाण है। इसलिए आज हम कथा कई विश्राम करते हैं, कल हम सुनेंगे कहाँ करी महात्मा का नाम मत शास्त्र ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे पढ़ने दोषो सभा प्रच्छामि ताम धर्म सम मूर्चेता यच्छे सानिश्चित भूई तन में शादी माम ताम प्रपन्न। और
प्रतिष्ठत है, जागृत है, प्राप्य वरा निबोधित है, शुरस् धारा निशितया दुरतया दुर्गम पततस्थ कवयो वदन्ति क्षेत्रीय वैश्याश्च गुरुः शूद्रजनमनः शूद्राश्च गुरुस्तेषाम्।